Kegel. Find field intensity. Find field intensity using the formula E dot da is equal to 1 by epsilon naught q in. यही बताया ना, q in का सारा डिटेल्स बता दिया, कैसे फाइंड करेंगे. इसमें लिखना है इफ गॉसियन सरफेस इज कंटेंड ऑफ, इफ गॉसियन सरफेस is contained of number of surfaces, if Gaussian surface is contained of number of surfaces, then E dot dA is equal to number of surfaces है तो number of parts में आपने divide कर देना है, तो E dot dA dA1 for the first surface, second surface and so on. It is for the nth surface. And it will be equated with what? Q in by epsilon naught. अभी क्यू इन का मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया था आपको, वहाँ पे एक तो स्फेरिकल सरफेस था और दूसरा क्या था, सिलेंड्रिकल. स्फेरिकल सिलेंड्रिकल को मेनली लिया है ना हमने, तो इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस वी हैव ओनली व्हाट, वन स्मॉल एरिया, दैट इज व्हाट डी ए, इट इज डी ए वेक्टर. और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल डायरेक्शन में, थीटा इज व्हाट, जीरो डिग्री. स्फेरिकल सरफेस में ओनली वी हैव टू टेक व्हाट, ईडीए कॉस ऑफ जीरो डिग्री. व्हाट वी हैव टू गेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, ई को आप बाहर ले लें, ई इंटू डीए इंटीग्रल. डीए इंटीग्रल क्या होगा, इट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर. नाउ इफ वी कम टू द सिलिंड्रिकल सरफेस, like it is a cylindrical surface, ये एक लीनियर चार्ज बॉडी हमने कंसिडर किया ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल, इसको जरा ढंग से समझिएगा. सिलेंडर में कितने सर्फेसेस हैं, तीन. वन सर्फेस इज दिस एरिया वेक्टर डी ए वन, अदर सर्फेस इज दिस area vector is what, dA2. Third surface is this, what is area vector, observer तो बाहर ही है ना, तो मैंने बोला है area vector के लिए क्या, any line perpendicular surface directed towards observer. तो यहाँ observer है dA1, ऊपर observer है dA2, नीचे observer है dA3. Inside the cylinder तो observer है नहीं, तो यहाँ पे इसको कितने part में आपको break करना होगा, three parts में. तो here E dot dA is what? E dot dA1 plus E dot dA2. E dot, हाँ एक क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर यहाँ आपने डिवाइड किया, यहाँ तो सर्कल यूज नहीं किया, कोई भी अकेला एक सरफेस क्लोज्ड है क्या, नहीं है ना. जैसे D1 कर्व सरफेस पूरा क्लोज, तो क्लोज का मतलब है पूरा क्लोज हो जाए. डी ए टू अकेला क्लोज नहीं है, डी ए थ्री भी क्लोज नहीं है, हाँ तीनों को मिला के क्लोज सरफेस बना है. तो इसको तीन पार्ट में आप डिवाइड जरूर करेंगे, लेकिन कहीं भी क्लोज सरफेस का साइन को यूज़ नहीं करना है. ये थ्री कंबाइन करके ही हमारा इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस मिला है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए.
कॉन्सेप्चुअल पार्ट सारे डिस्कस कर लिया और यही कॉन्सेप्ट या स्टेप्स को हम यूज करेंगे टू फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी. फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बता दूं. See, we have a point charge Q at a distance R. We have to get electric field intensity at what point? P. P पे चाहिए. ठीक है, क्या बताया मैंने? Draw Gaussian surface passing through the point P. वे Gaussian surface हमने draw किया, which is passing through what point? P. This one is what? Spherical Gaussian surface. ठीक है, अब इस पे आपको क्या लेना है? स्मॉल एरिया ना. स्मॉल एरिया वी हैव व्हाट? डी ए. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर डी ए. क्यू पॉजिटिव चार्ज. लाइन ऑफ फोर्स इज डाइवर्जिंग एंड स्ट्रेट फॉर अ सिंगल चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? E. What is the angle between E and dA vector? Theta is equal to 0 degree. Charge enclosed. Enclosed Q in within the Gaussian surface. क्या दिख रहा है? पूरा का पूरा charge ही Gaussian surface के अंदर है. तो first step मैंने क्या बताया है? Draw Gaussian surface passing through the point P. Point charge के लिए क्या बताया था? Spherical. डी ए लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए का बीच एंगल आ गया. सेकेंड स्टेप फाइंड द टोटल चार्ज इन क्लोज क्यू इन क्यू आ गया. थर्ड स्टेप यूजिंग गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम वी हैव व्हाट? ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. ई डी ए कॉस जीरो डिग्री. थीटा इज व्हाट? जीरो. Q in is Q, Q by epsilon naught. A is taken out. Q by epsilon naught. Area का integral कीजिएगा तो क्या आएगा? Sphere है ना, तो sphere का area. तो electric field into area of the sphere. 4 pi r square. यहाँ जो dA integral है, it must be the area of the Gaussian surface. याद रखिएगा. तो integral dA होता है ना? Integral dA. इट इज द एरिया ऑफ व्हाट? गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस का ही एरिया लेना है आपको. तो 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज व्हाट? तो व्हाट वी गेट? ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ये आ गया. अगर यही पार्ट आप ग्रेविटेशन पे जाते हैं, इन केस ऑफ ग्रेविटेशन ई की जगह वी हैव टू टेक व्हाट? इजी. और यही इजी क्या होता है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वल होता है. तो दैट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू क्यू की जगह आप क्या लेंगे? मास. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. के को किससे रिप्लेस करते थे? जी से. तो जी एम डिवाइडेड बाय व्हाट? तो पॉइंट मास से ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? जी एम बाई आर स्क्वायर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जी से रिप्लेस कर दिया है ना. अच्छा यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर स्क्वायर. तो अगर ग्राफ हम ट्रेस करें, जस्ट क्यू का नीचे एक वर्टिकल लाइन लिया हमने, इट इज द लाइन ऑफ फील्ड और ये है डिस्टेंस के लिए लाइन आर. ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ग्राफ कैसा होगा? इट इज लाइक दिस. हिट कहीं नहीं करेगा, दोनों साइड एक जैसा ही ग्राफ होगा. ठीक है,
3D अगर व्यू देखें तो 3D व्यू में तो ये तो 2D में आ गया ना, अगर इसी को 3D में आप देखते तो 3D में ग्राफ इस तरीके से विजिबल होता, आर ई। ये इस तरीके से विजिबल होता है, ठीक है, किसी भी साइड से ऑब्जर्वर देख सकता है ना। तो ये 3D के लिए है और वो 2D के लिए है। ये आर का लाइन है, ये भी किसका लाइन है, आर का ही लाइन है। वर्टिकल लाइन इज फॉर ई, और जो लाइन है वो किसके लिए है, पोजीशन के लिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, इनसाइड एंड आउटसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर लिखेंगे, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, चार्ज क्यू, रेडियस आर, चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब है कि चार्ज जो है स्फेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनसाइड द स्फेरिकल शेल चार्ज विल बी व्हाट, शेल के अंदर चार्ज क्या होता है बताया था, जीरो, चार्ज इनसाइड द शेल इज जीरो। तो चार्ज इज स्फेरिकल शेल का इनसाइड एंड आउटसाइड, वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, फील्ड इंटेंसिटी। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज सपोज आर, दिस रेडियस इज आर, शेल इज एक्सटर्नली चार्ज्ड, इनसाइड द शेल चार्ज इज व्हाट, बाहर चार्ज गिवन है। नाउ वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल एट एनी पॉइंट पी, कॉमन जनरल डिस्टेंस आर लिया, एंड ऑल्सो आउटसाइड द शेल एट पॉइंट पी, इट इज व्हाट, आर। हियर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, हियर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन व्हाट, कैपिटल आर। तो बताया, ड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। तो इनसाइड अगर देखें आप तो गॉसियन सरफेस इज व्हाट, स्फेरिकल, और आउटसाइड अगर आप देखें तब भी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल के लिए कैसा लेना है, स्फेरिकल ही लेना है। तो वी ड्रॉ अ गॉसियन स्फेरिकल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, यही है ना, ठीक है। पहले हम इनसाइड पे वर्क करते हैं। व्हाट इज चार्ज इनक्लोज्ड, इट इज जीरो, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। यूजिंग गॉस थ्योरम, ई डॉट डी ए, ए इन साइड को ई आई से रिनोट किया, दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन इज व्हाट, जीरो। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द शेल इज व्हाट, आगे समझ में। अब हमें कहाँ फाइंड करना है, आउट में, तो आउट के लिए वर्क किया, आउट क्यू इन इज इक्वल टू व्हाट, क्यू, पूरा ही स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर है चार्ज। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, हेंस फ्रॉम गॉस थ्योरम, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ई कहाँ है, आउटसाइड। यहाँ हमने स्मॉल एरिया लिया, सपोज दिस पॉइंट इज पी, एरिया वेक्टर डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, जीरो। स्फीयर में तो वैसे भी बताया है कि ओ डी ए के बीच एंगल हमेशा क्या है, जीरो ही है,
तो ईओ डीए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ईओ। इंटीग्रल डीए क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। द वैल्यू ऑफ ईओ इज व्हाट, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई इन साइड है 0 और ई आउट साइड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यही है ना। तो इसके ग्राफ को अगर हम ट्रेस करते हैं, जस्ट सेंटर का नीचे एक लाइन लिया हमने, इट इज द फील्ड लाइन, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल पोजिशन लाइन हो गया। इनसाइड द स्फीयर दोनों साइड देखें, 0 टू आर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू व्हाट, 0, और आउटसाइड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों साइड एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज व्हाट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैक्सिमम फील्ड कहाँ है ग्राफ में देखिए, सरफेस पे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इज ओवर द सरफेस, इट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है, सरफेस पे। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या होगा, 0, क्योंकि वहां भी तो अंदर मास नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। एक हेमिस्फेरिकल शेल है, मान लीजिए कि अर्थ ही हेमिस्फेरिकल शेल होता और पूछते कि इसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ क्या होता, तो क्या लेते हैं, जी एम मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई व्हाट, आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए, तो ये हमारा हो गया इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। इसमें एक और पॉइंट बता देता हूं, देखिए स्फेयर का चार्ज इज डिफाइंड क्यू, और मान लीजिए कि इसका चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता सिग्मा, तो सिग्मा की जगह आप क्या लिख सकते थे, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर चार्ज बाई एरिया, यही होता है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का वैल्यू क्या आया है, ई आउट इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही आया ना। ई आउटसाइड यू मे ऑल्सो राइट व्हाट, क्यू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये लिख सकते थे, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट इज क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में बी रिटन एज सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ चार्ज है, और ये वाला क्या है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर यही केस ग्रेविटी का होता तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड क्या हो जाता, 0, और ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड अगर आप चेक करते तो जी आउट इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या हो जाता है, एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह जी, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। और अगर इस टर्म में चाहते तो एप्सिलॉन को किससे डिनोट करते हैं, 1/4 पाई जी से, तो 1/ एप्सिलॉन नॉट जो है आपका 4 पाई जी आ जाएगा ना, तो ये आपका हो जाता है 4 पाई जी, एम की जगह क्या हो जाता, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड द शेल स्फेरिकल शेल जिसका मास डिफाइंड है, मास डेंसिटी डिफाइंड है, मास के लिए ये हो जाता और मास डेंसिटी के लिए ये रिजल्ट हो जाता, एक्सप्रेशन क्या जाता। तो पॉइंट चार्ज हो गया, स्फेरिकल शेल हो गया, ग्राफ को ट्रेस कर लिया आपने, ये कर लिया है ना सबने ट्रेस,
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड. अ सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर इनसाइड एंड आउटसाइड अ सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, एंड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो. और मैंने जो पहले करवाया था चार्ज इनक्लोज्ड में, वहाँ बताया था चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, बट क्यू इन फाइंड करने का मेथड एक ही है, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो. तो सी वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड अ सॉलिड चार्ज स्फीयर ऑफ व्हाट रेडियस आर. चार्ज डेंसिटी वी हैव गिवन यूनिफॉर्म, चार्ज डेंसिटी सपोज व्हाट रो. तो एक तो हमें इंटरनल पॉइंट पे चाहिए फील्ड, इंटरनल पॉइंट इज पे आर लेस देन आर ई एर, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट पे चाहिए इट इज पी. यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इस फॉर्म में दिया हो सकता है. तो अब देखिए इनसाइड एंड आउटसाइड पे वर्क करते हैं. यहाँ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, इसके लिए गॉसियन सरफेस है, और एक्सटर्नल के लिए ग्रीन से लिया हमने ये, इट इज़ अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी. ये आपका आउटसाइड द स्फीयर के लिए है. यहाँ एक स्मॉल एरिया हम लेते हैं, दोनों ही जगह स्मॉल एरिया लेना होगा ना. फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू व्हाट द चार्ज सरफेस, यहाँ एक स्मॉल एरिया लिया हमने. इट इज द डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर एज वेल एज व्हाट फील्ड वेक्टर ई आउट. द वैल्यू ऑफ थीटा हियर इज व्हाट 0 degree. और यहां देखें अकॉर्डिंगली इट इज द एरिया वेक्टर डी ए. इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किससे शो कर रहे हैं, ई आई से. द वैल्यू ऑफ थीटा हियर ऑल्सो इज 0 degree. अब एक साइड इनसाइड पे वर्क कर लेते हैं और दूसरी साइड आउटसाइड पे. इनसाइड इनसाइड द स्फीयर क्या बताया है, यूजिंग गॉस थ्योरम इंटीग्रल इन डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इन डी ए कॉस 0 degree इज इक्वल टू 1/ε0. इनसाइड के लिए कुछ बताया था रिजल्ट मैंने आपको, 0 to R चार्ज डेंसिटी इज रो, रो इनटू ये देखिए बता रखा है अभी चार्ज इनक्लोज में, ठीक है. अगर इंटरनल पॉइंट पे फाइंड करना है तो 0 to r इनसाइड डीए इज इक्वल टू जो कांस्टेंट्स है उनको बाहर ले लीजिए आप, तो 4π rho डिवाइडेड बाय व्हाट एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर 0 to r. What is dA integral? Area of the Gaussian surface 4πr² that is equal to 4π rho/ε0. यहाँ क्या हो जाएगा ये r³/3 लिमिट्स लगा दिया तो 4π और 4π गया, आर स्क्वायर से ये गया, तो रिजल्ट बचा क्या n इज इक्वल टू रो आर बाई. और मान लीजिए कि चार्ज डेंसिटी की जगह चार्ज ही हमारे पास गिवन होता, जनरली बुक्स में चार्ज गिवन होता है, एकेडमिक्स वाले बुक में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो रो ही लेके चलना है, तो रो का वैल्यू है क्या
What is the value of charge density here? Total charge of the sphere divided by volume of the sphere. Volume of the sphere is what? 4 by 3 pi r cube. तो आप rho की जगह जो है क्या लिख सकते हैं? It is 3 q divided by 4 pi r cube. यही लिखेंगे ना? हाँ 3 q. Sorry, it is 3 q. तो rho की जगह अगर 3 q put किया आपने, तो E inside is equal to r by 3 epsilon naught. It is 3 q divided by what? 4 pi r cube. ये 3 और 3 तो cancel हो गया. तो get the result. E inside is equal to q r by 4 pi epsilon naught r cube. Directly proportional है, inversely proportional है. E inside is directly proportional to r. ये formula तो याद रखिएगा. इसमें rho r by 3 epsilon naught आ रहा है, cylinder में आएगा rho r by 2 epsilon naught. और जो thick plane sheet करवाया था ना, जिसका charge density rho वाला, उसके लिए inside आएगा rho by epsilon naught. तो याद रहेगा sphere. हाँ r cube है ये, sorry, it is 4 pi r cube. तो इसके लिए rho r by 3 epsilon naught inside the cylinder, rho r by 2 epsilon naught, और thick sheet के लिए rho r by epsilon naught. याद ही रहेगा वो आपको. अब now if we move to outside the sphere, using Gauss theorem, out में Gauss theorem, E out dA is equal to 1 by epsilon naught q in. यही है ना? E out dA cos 0 degree 1 by epsilon naught. q in के लिए क्या बताया आपको? इंटीग्रल 0 से कहां तक लेना है? कैपिटल R तक, rho into 4 pi r square dr. अब rho यहां कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहने दिया, वेरिएबल होता तो वेरिएबल कर देते. तो यहां क्या आ जाएगा? e out dA is equal to, जो कांस्टेंट है उनको आउट कर लिया, 4 pi rho by epsilon naught, इंटीग्रल r square dr कहां से कहां तक? 0 to r. e outside ये क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस रेडियस पे स्मॉल आ रहा है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रल लेंगे आप, लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? डायरेक्टली लिख दो ना, तो 4 पाई से 4 पाई गया ये, तो ई आउटसाइड का वैल्यू क्या आ गया? रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट? 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. क्या है ये? E out is inversely proportional to r square. अच्छा, इसी को अगर हम चार्ज के टर्म में देखें, तो rho का वैल्यू को चार्ज से रिप्लेस करना है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? E out is equal to r cube by 3 epsilon naught r square into, rho की जगह क्या है? 3 cube by 4 pi r cube ना, तो 3 और 3 गया, r cube से r cube cancel हुआ, e outside क्या हो गया? q by 4 pi epsilon naught inversely proportional to r square. अगर इसका graph आपको देखना हो, तो just center से नीचे field line लिया हमने, it is the field line, और यह हमारा position line हो गया. यह देखिए, यह surface radius r, यह तो center है, इधर भी लेफ्ट साइड वैसे ही. इनसाइड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है. और ये आउटसाइड क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना. इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैक्सिमम कहाँ है? E maximum is equal to R की जगह capital R put कर दे. अब दोनों में से किसी भी formula में R की जगह small capital R put करेंगे ना,
रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी अगर आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करें तो क्या हो जाएगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पे आ गया, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द वर्ल्ड सरफेस। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, सरफेस पे। अच्छा, मैं अगर बोलूँ कि इसको ग्रेविटी में आप कन्वर्ट करो, जैसे अर्थ जो है एक सॉलिड है जिसका मास एम गिवेन है, मास डेंसिटी इज डिफाइंड, और इसी फॉर्मूले को हमने ग्रेविटी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, जैसे अर्थ का ही यूनिफॉर्म मास डेंसिटी ले लिया, एंड इनसाइड द अर्थ वी हैव टू गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो रो ही रहेगा, आर थ्री एज इट इज रहेगा, वन बाय एप्सिलॉन को हम किससे रिप्लेस करते हैं, फोर पाई जी से, तो फॉर्मूला विल बी फोर पाई जी रो आर बाई थ्री। ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ भी आउटसाइड द अगर जो है अर्थ सरफेस फाइंड करना हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो रो आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर एप्सिलॉन, वन बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह वी हैव टू पुट व्हाट, फोर पाई जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशन में, सिंपल है ना। ये नोट कर लीजिए, तो चार्ज शेल एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म होता, बस रो की जगह वैल्यू हम चेंज कर देते, तो नॉन यूनिफॉर्म का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला यूरोडोप में जितना क्वेश्चन है ना स्फीयर वाला, अब ट्राई कीजिएगा उसमें, लेकिन एक जो है ट्रिकी क्वेश्चन दिखाइए। गॉस थ्योरम पूरा करवाने के बाद यूरोडोप आप ट्राई कर सकते हैं डायरेक्टली। एक क्वेश्चन नंबर 16 ट्रिकी है, उसमें जो है आपका चार्ज डेंसिटी दे रखा है ए आर, रो इज इक्वल टू ए आर, आर इज व्हाट द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मैंने तो पहले ही लिखा था वहाँ चार्ज डेंसिटी का टाइम है, जब चार्ज फाइंड करते हैं तो चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और चार्ज डेंसिटी वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर मैंने ए आर लिख दिया तो ए इज कॉन्स्टेंट वेक्टर वहाँ लिखा है एंड आर इज द रेडियल वेक्टर, तो दोनों अगर वेक्टर है और तो चार्ज जो है चार्ज डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और वहाँ स्टेटमेंट में दिया है इन्होंने कि ए इज द कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड आर इज द रेडियस वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट स्केलर मिलेगा या डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ जो है उस क्वेश्चन में यूरोडोप का क्वेश्चन नंबर 16 में ए डॉट आर दिया है, तो एक्चुअली इट इज व्हाट ए आर कॉस थीटा, तो उसमें बच्चे गलती करते हैं और सीधा ए आर लेके सॉल्व करते हैं, कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर ए आर दिया हो तो ए बी स्केलर है आर बी स्केलर है, वहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर रखा है ए इज वेक्टर आर इज ऑल्सो वेक्टर, ए डॉट आर देयर यू हैव टू टेक व्हाट ए आर कॉस थीटा। ठीक है, वो अभी मैं पूरा करवा देता हूँ, फिर जो है बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो ये तो हो गया आपका सॉलिड चार्ज स्फीयर इनसाइड एंड आउटसाइड। तो अभी पहले बताया ना कि एकेडमिक्स वाला ही करवा रहा हूँ मैं, तो एकेडमिक्स में अभी नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी पे नहीं आएगा, हालांकि क्यू इन का थ्योरी मैंने पूरा ही बता दिया है, तो क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे, पहले डेरिवेशंस पे आ जाते हैं। लेफ्ट साइड मिटाऊं, इधर भी कर लिए नोट। नेक्स्ट, राइट फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज कंडक्टर, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट लेंथ एंड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी।
See, we have a linear conductor of infinite length, and charge density is given uniform. Length is what? Infinite. And electric field intensity we have to get at what point? P. P pe chahiye. It is at a distance what? R. Kya karna hai? First step. Draw Gaussian surface passing through the point P. Jahan bhi field intensity chahiye. So we draw Gaussian surface passing through P. Kaisa Gaussian surface hoga? Cylindrical. So we consider a cylindrical Gaussian surface of length L and radius kya hai ye R, jis distance pe find karna tha. It is the Gaussian surface. Length of the Gaussian surface is what? Suppose, ठीक है, कितना चार्ज कैलकुलेट करना होगा आपको? सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर है. कितने सरफेसेस है हमारे पास? 3. फर्स्ट सरफेस डी ए वन वेक्टर, सेकंड सरफेस, हम ऑब्जर्वर तो बाहर ही है ना, इट इज डी ए टू, और यहां एक सरफेस लिया हमने, इट इज डी ए थ्री. एरिया वेक्टर बताया था परपेंडिकुलर सरफेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर. अब आपको ये पता है कि लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टुवर्ड द चार्ज सरफेस. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है E, व्हाट इज थीटा वन? 0 डिग्री. यहाँ देखें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे, इट इज E. व्हाट इज एंगल बिटवीन E एंड DA2? 90 डिग्री. Perpendicular to the charge conductor, electric field E. What about theta 3? It is again 90 degree. ठीक है, तो तीन surfaces हैं हमारे पास, तीनों पे electric field और area vector ये direction मिल गया हमें. Now what is charge enclosed? Second step पे है. Charge enclosed within the Gaussian surface. Lambda we have what? Charge by length. तो so, qin की जगह क्या आ गया? Lambda into L. Second step का work हो गया. Now we come to the third step. Using Gauss theorem. क्या है? E dot dA is equal to 1 by epsilon naught Q in. अगर ये linear conductor की जगह linear mass होता, m in ले लेते आप, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको बताया मैंने, तीन पार्ट में आप डिवाइड करेंगे. E डॉट डी ए वन फर्स्ट के लिए, E डॉट फॉर द सेकेंड, एंड E डॉट डी ए थ्री फॉर द थर्ड. व्हाट इज क्यू इन? लैम्डा एल, यही था ना क्यू इन? लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ देखिए, E डी ए वन कॉस 0 डिग्री फर्स्ट सरफेस, सेकेंड और थर्ड के लिए क्या है? 90 ना, कॉस 90 कॉस 90 थर्ड, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट. ये सब तो जीरो हो गया. E डी ए वन फर्स्ट सरफेस प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई E. What is integral DA1? DA1 कहाँ है? कर्व सरफेस पे ना. कौन सा एरिया लेंगे? पूरा तो लेना नहीं है, तो वी हैव टू टेक ओनली व्हाट? द कर्व सरफेस एरिया 2πRL. दैट इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट. एल और एल गया ही है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर. तो अगर हम ग्राफ चेक करें, इट इज अ लीनियर कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एंड इनफाइनाइट लेंथ. लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, इसका जस्ट नीचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन लिया और ये डिस्टेंस का लाइन है. ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लैम्डा. अगर E और लैम्डा का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो क्या होगा? ये होगा ना,
ये एंगल थीटा है, m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ tan थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा छोड़ दें जो भी रिजल्ट बचा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा छोड़ के जो भी रिजल्ट है सब जो है आपका स्लोप ही है ना, नोट कर लीजिए। इससे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं क्या, ये वाले से स्लोप इज डिफाइंड, मान लीजिए कि थीटा गिवन है 3/4, सॉरी थीटा इज 37 डिग्री, एनी एंगल इज डिफाइंड थीटा 37 डिग्री, एम इज इक्वल टू tan 37 इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट वी हैव, 9 × 10⁻⁹, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 18 × 10⁻⁹, 18 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई व्हाट r, तो r का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितने डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह का भी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, जैसे ग्राफ आएगा तो ग्राफ जो है बुक में नहीं मिलेगा तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहीं से क्वेश्चन हम फ्रेम करें, इफ थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट r इस ग्राफ से, तो आप क्या यूज करेंगे सॉल्यूशन में, tan 37 कितना होता है 3/4 इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट r, यही है ना, तो ये आपका आ जाएगा r इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे आप, 18 × 10⁹ दिस मच ऑफ व्हाट मीटर, ठीक है। तो अब बच गया थिन चार्ज शीट और फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के न्यूमेरिकल्स, एकेडमिक्स का एक ही पार्ट बचा है, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज शीट, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट दो लेक्चर्स जो है वो आपका एक बेसिक वाला होगा और फिर कॉम्पिटिटिव वाला होगा, ठीक है, वो फिनिश हो जाएगा। हाँ, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा कुशाग्र, अगर ये चार्ज लीनियर चार्ज की जगह लीनियर मास होता ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, आप पूछते हैं आप एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करो आर डिस्टेंस पे, मास डेंसिटी लैम्डा ही रहेगा और सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट जी, जी से रिप्लेस किया, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप किससे रिप्लेस करेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा ना 2g से, तो अगर ये क्वेश्चन ग्रेविटी का होता तो रिजल्ट क्या होता, ईजी और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 2λg डिवाइडेड बाई व्हाट r, तो इट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट, अ लीनियर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ मास व्हाट, मास डेंसिटी लैम्डा, तो ग्रेविटी भी फाइंड कर सकते थे। मीन्स अगर अर्थ जो है लीनियर शेप का होता है ना, तो r डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ये हो जाता है 2λg/r, है ना। लीनियर है नहीं, लीनियर होता तब ऐसा होता, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिन चार्ज शीट का सबको पता है σ/2ε₀ है, अगर जो है अर्थ जो है थिन शीट होता तो पूछते उसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता, तो सिग्मा तो सिग्मा ही रहेगा, σ/2ε₀ को किससे रिप्लेस कर देंगे 1/4πg से, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 4πg सिग्मा डिवाइडेड बाई व्हाट 2πg सिग्मा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिजल्ट को ग्रेविटेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो IIT में जब क्वेश्चंस वो फ्रेम करेंगे ना, तो उनको पता है कि बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना किया हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस जो आपने नहीं किए हैं तो उसको ग्रेविटी में नहीं किए हैं तो ग्रेविटी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और ग्रेविटी के जो क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करके नहीं किए हैं उनको जो ट्रांसफॉर्म कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो जो नहीं किया हुआ है बच्चे देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर कोरिलेशन आपको पता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले को हम ग्रेविटेशन में जो है
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है ना।